केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग में पिछले 24 घंटे में 693 नए केस सामने आने की बात कही। देश में कोविड 19 मामलों की संख्या सोमवार को बढ़कर 4067 तक पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 1445 कोरोना वायरस केस तबलीगी जमात से संबंधित हैं। 76% केस पुरुषों में और 24% महिलाओं में पाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 के 3,666 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 291 लोगों का सफल इलाज किया जा चुका है, यानी कि वो ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों के लिए केंद्र की तरफ से 1100 करोड़ रुपये की जारी राशि की जा चुकी है। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपये और भेजा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वाले लोगों में 63% लोग 60 साल के ऊपर के हैं, जबकि 30% लोग 40 से 60 साल आयु वर्ग के हैं और सिर्फ 7% मृतकों की संख्या 40 साल से कम है।